हमारे मुल्क के योम आज़ादी के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे उन अजीम रहनुमाओं को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ जिन्होंने एक लंबी जद के बाद देश को आज़ादी दिलवाई जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं दिल की गहराइयों से इस मुबारक मौके पर बधाई देता हूँ मुझे इस बात का गहरा दुख है कि घाटी में पिछले कई हफ्तों से जारी गड़बड़ी में बहुत से नौजवानों महिलाओं और बच्चों की जाने गई हैं और कई जख़्मी हुए हैं सुरक्षा बलों के जवानों और उनके ठिकानों पर पत्थर मारने के रोज़मर के वाक्यों में हमारे हज़ारों नागरिक और नौजवान भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं पत्थरबाजी और एहत की घटनाओं की वजह कुछ भी हो लेकिन इस मरल पर मुझे ये सोच कर दुख होता है कि इनमें उलझने की वजह से हमने अपनी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है हम ये भूल गए हैं कि हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने होशियार नौजवानों की देखरेख, रेख तालीम उनकी परवरिश उनके इम्तहानों से गुज़रने की सलाहियत और हर महाज पर कामयाबी हासिल करने की कोशिशों में उनको सही राह दिखाएँ हम उनमें वो सलाहियत डालें जिससे वो आगे चलकर समाज को और हमारी रियासत को खुशहाली और तरक्की में उसकी सही जगह दिलवा पाएँ पिछले कई सालों से मैं बार बार अपील करता रहा हूँ कि हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि किसी भी वजह से हमारे बच्चों की तालीम पर कोई मनफी असर ना हो ये बहुत अफसोसनाक है कि रोज़ बरोज़ हड़ताल बंद प्रोटेस्ट एहतजाज के वाक्यों ने हमारे तालीमी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचाया है स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बंद होने की वजह से जो नुकसान हमारे बच्चों के मुस्तबिल पर हो रहा है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार और सिविल सोसाइटी के लीडरान इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे तमाम तलीमी इदारे बहुत जल्द फिर से खुल सकें हाल के सालों में कई मुश्किलों के बावजूद हमारे मेहनती और होशियार लड़के और लड़कियों ने ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे मुश्किल इम्तहानों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल किए हैं हमारी रियाती सरकार को अब इस बात को यकीनी बनाना है कि अपने मुस्तबिल को संवारने के लिए हमारे नौजवानों को किसी भी तरह की मुश्किलें का सामना ना करना पड़े लगातार जारी गड़बड़ी ने हमारी सभी कारोबारी तजारती और इकतदी कामों पर मनफी असर डाला है सबसे ज़्यादा असर हमारे दिहाड़ीदार मज़दूरों पर पड़ रहा है सरकारी ढांचा और पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स भी इसकी जद में आ गए हैं और इन हालतों की वजह से हमारी तरक्की और ग्रोथ की रफ्तार भी पिछड़ गई है हमारी जमहूरीत में हर तरह की आइडियोलॉजीज़ को अपनाने की खुली छूट है इसके साथ साथ हमारे मिलजुल के रहने की बुनियादी सोच हमें हिंसा और तकरार के बजाय हर तरह के इख्लाफा को आपस में मिलजुल कर डायलॉग और डिस्कशन के ज़रिए सुलझाने की तौफीक देती है मैं रियासत के सभी लीडरों और सभी सियासी जमातों के से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द मिलजुल के कोशिश करें कि मुख्तलिफ ख्याल रखने वाली तंजीमों के साथ बातचीत करके मौजूदा हालात को दुरुस्त करने का रास्ता निकालें बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी आगे आएं और शरारती और मनफी ताकतों और उनके सपोर्टर्स को सख्त पैगाम दें कि जानो माल का बहुत नुकसान हो चुका है और अब इस, इसे ख़त्म होना चाहिए मैं फिर से अपने सभी मेनस्ट्रीम जमातों के लीडरों से गुज़ारिश करता हूं कि बिना देरी किए वो आगे आए ताकि रियासत में अमन चैन की बहाली हो सके साथ ही सस्टेन और मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करने का रास्ता भी निकाल सकें जिसका वादा मरकज़ ने किया है हमारी सियासी लीडरशिप को अब इस बात पर जोर देना है किस तरह से हमारे नौजवानों का दिल जीता जाए इस काम को कामयाब करने में हमारे सरकारी ढांचे को भी पूरे दिलो जान से सपोर्ट करना होगा सदियों से जम्मू और कश्मीर अपनी कम्युनल हामनी और सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है आज भी हमारी ये मिलीजुली कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी रियासत की कॉम्पोजिट आइडेंटिटी को संभाल कर रखें सियासी लीडरों को भी इस सोच को मज़बूत करने के लिए हर तरह के क़दम उठाने चाहिए ताकि हमारे सभी खितों के दरमियान भाईचारा के तलक हों रियासत के हर खत्े में अमन तरक्की और खुशहाली कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी पॉलिटिकल, सोशल कल्चरल रिलीजस तंजीमें और बाकी स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर काम करें आज ज़रूरी है कि हम रियाती तरक्की की रफ़्तार बढ़ाएं और मुल्क में उसका हक़ दिलवाएं। पिछले साल एलओसी पर घुसपैठ की लगातार कोशिशों में इजाफा हुआ है ये कोशिशें हमारी पड़ोसी मुल्क की उस नापाक सोच का नतीजा है जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी और अफरा तफरी फैलाना चाहती है दुश्मन के इन नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों को चुकाना रहने की बहुत ज़रूरत है आज के दिन मैं स्टेट पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस और आर्मी के उन सभी शहीदों को खराज अक़दत पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं आखिर में इस खुशी के मौके पर मैं वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती उनकी वजारती काउंसिल और जम्मू कश्मीर के आवाम को इस उम्मीद के साथ नेक खवाह पेश करता हूँ कि रियासत के हर खिते में जल्द अज जल्द अमन चैन और खुशहाली वापस लौट आए जय हिंद ऑन occasion of ओकेजन इंडिपेंडेंस डे आई पे homage टू our ग्रेट लीडर्स Who carried out a prolonged struggle to liberate India from the colonial yoke and convey my warm greetings and good wishes to the people of Jammu and Kashmir? I am deeply saddened by the continuing disturbances in the valley in the past several weeks, which have led to several dozen young men and even women and children getting killed and seriously injured. Daily incidents of stone pelting and recurring attacks by protesting groups on the uniformed forces and their establishments have left thousands of civilians and security forces personnel seriously injured. While there may be varied explanations for the continuing disturbances, it is distressing that preoccupation with the past. Has paralyzed our enormous responsibility to look after, educate, and groom our bright youth and enable them to compete and succeed in every walk of life to emerge as future leaders who would take the state to its rightful place in the country. For the past several years, I have been repeatedly appealing that we must not allow any arising problem to adversely affect the educational schedules of our children. it is indeed most unfortunate that the recurring calls for shutdowns, day-to-day -day protests and agitations have led to the complete disruption of the educational system. the closure of schools, colleges and universities and disruption of the academic schedules has caused Irreparable damage to the career prospects of bright boys and girls who are pursuing different educational courses. It is most urgently necessary for the government and the leaders of the civil society to ensure that all educational institutions reopen immediately. Despite varied constraints in the recent years, our boys and girls have been doing extremely well. Even in the toughest All India competitive examinations, it is the bounden duty of the state to ensure that our students do not face any kind of disadvantage which may adversely affect the successful pursuit of their goals and aspirations. The continuing disturbances have also disrupted all business, trade, and economic activities particularly affecting the livelihoods of those who earn their bread on daily basis the functioning of the administrative apparatus and the public delivery systems have also been adversely affected and this situation is retarding the timely implementation of growth and development projects our liberal democratic framework Allows unfettered opportunity for the pursuit of widely diverging ideologies. Side by side, our pluralistic foundations encourage and enable the resolution of all manner of differences through dialogues and discussions instead of through confrontations and violence. I urge the leaders of all the mainstream political parties in the state. To urgently join hands, evolve an agreed approach, and commence a purposeful dialogue with all groups which propagate divergent approaches. Side by side, it is of vital importance that all civil society groups also join ranks and give a loud and clear call to all those who are involved in the continuing agitations. As well as to all others who support their cause and launch all possible initiatives to make the latter recognize that the vicious cycle of ongoing violence has caused enough death and destruction and must cease forthwith. While the restoration of peace and normalcy should be our first and most immediate priority, I would yet again urge the leaders of all the mainstream political parties in the state. To ensure that there is no delay in commencing a purposeful dialogue to vigorously pursue a sustained political initiative in Jammu and Kashmir, with the support of New Delhi, as has already been assured. The political leadership faces a momentous challenge of taking every required initiative to reach out and win the hearts and minds of our youth. This endeavor must be very strongly supported by the entire administrative machinery in the state. In the centuries past, Jammu and Kashmir has been known for its high traditions of communal harmony, secularism, and pluralistic belief. Today, it should be our collective endeavor to take all required steps to revive and protect the composite identity of the state. The political leadership would also need to take varied initiatives to progressively strengthen communal harmony among the people of all the regions of the state, based on the principles of mutual respect and accommodation of each other's sensitivities, concerns, and beliefs. To achieve peace, progress, and prosperity, it is imperative that the leaders of all political, social, cultural, and religious organizations and all other stakeholders in Jammu, Kashmir, and Ladakh urgently join hands and work most closely together to restore and preserve harmony in the state. They shall also need to work unitedly to see that the state achieves speedy progress and early secures its rightful place at the vanguard of the nation. the very significant increase in the attempts at cross-loc infiltration in the past year point to the unceasing attempts of our western neighbor to perpetrate terrorism and create chaos, to rupture the established order in the state. it is therefore necessary for our security forces to maintain eternal vigilance on the borders. I take this opportunity of paying homage to all the brave officers and men of the State Police, Central Armed Police Forces, and Army who sacrificed their lives to safeguard the territorial integrity of our country. I would conclude by conveying my greetings to Chief Minister. Mehbooba Mufti, her Council of Ministers, and to the people of Jammu and Kashmir, and wish early restoration of sustained peace, normalcy, and prosperity in all parts of the state. Jai Hind. जीज़ हम वतनों आज योम आज़ादी के मौके पर जबकि पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है वहीं हमारी रियासत ख़ास कर वादी कश्मीर बहुत ही परेशान हालात से दो चार है जानो माल का नुकसान हुआ है सैकड़ों की तादाद में हमारे शहरी ख़ास कर नौजवान बच्चे पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं मैं आपके दुख और परेशानियों को न सिर्फ समझती हूँ बल्कि दिल से महसूस करती हूँ गमों और मुसीबतों का ये तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में पहली बार नहीं आया दरअसल आज़ादी के बाद गैर यकीनियत ने हमारा पीछा कभी छोड़ा ही नहीं मैं तारीख़ या वाकयात वाकिया का तस्करा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम सब किसी न किसी तौर तो पर अपनी दर्दनाक कहानी का न सिर्फ हिस्सा है बल्कि इसके शिकार रहे हैं आज यहाँ हम सारी कौम के हमरा यम आज़ादी मना रहे हैं वहीं ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा होने के बावजूद क्यों बार बार आग और खून के दरिया पार करके इतमीन की कुछ गड़ियाँ हासिल करने की ख्वाहिश करनी पड़ती है और फिर क्यों ये तशद और अफरा तफरी इसी वक्त ज़ाहिर होती है जब ऐसा लगता है ज़िंदगी डगर पर आने लगी और इकतसदी सरगर्मी शुरू होकर ख़ुशहाली की कुछ उम्मीद बनने लगी है हमारे अमन में तरक्की में और बाज़त ज़िंदगी गुजारने की मासूम ख़्वाहिश पर हर बार क्यों शब खून होता है अभी हम 2014 के सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल से पूरी तरह से बाहर निकले भी न थे सैलाब के शिकार लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी ज़िंदगी का ताना बुनना शुरू ही किया था और रियाती सरकार ने तबाह कन की बहाली के लिए इकदाम शुरू किए ही थे कि हम पे ये कहर टूट पड़ा हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की नज़र में ये एक लाइलाज बीमारी नहीं बल्कि इंसानी मसला है मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस मसले की जड़ तक जाएं, तभी इसका पायदार हल होगा इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि हम एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं और हमारे लोग इस निज़ाम से मुकम्मल तौर फ़ायदा हासिल कर सकें जमहूरीत सिर्फ़ इलेक्शन के दिन वोट डाल कर नुमाइंदा चुनने तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका एक अहम हिस्सा डायलॉग और बातचीत है अगर हम अपने लोगों से बातचीत ना कर सकें तो जमहूरीत का कोई मतलब नहीं मगर जमहूरी इकदार का एक अहम हिस्सा ये भी है कि हम अपनी बात कहने के लिए पुरन तरीके अपनाएं और इसका इखलाक हुकूमत पर भी होता है मगर हुकूमत की एक बुनियादी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वह आम लोगों के जानो माल का तहफ़ करे और इस मकसद के लिए लाकानूनीत और तशद्द पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम करे जिनके नतीजे में न चाहते हुए भी कभी कभी जानी व माली नुकसान होता है मुझे ज़िंदगी भर इस बात का शदीद सदमा रहेगा कि जिन नौजवानों और बच्चों के दिल से खौफ व हरास ख़त्म करने के लिए मैंने गांव-गांव की मिट्टी छानी और इनके दिलों से छापे तलाशियां सफ़ेद जिप्सी पकड़ दकड़ का खौफ हमेशा ख़त्म करने के करने के गरज से हर इकदाम किया और 2002 में हुकूमत बनते ही हमने इस पे अमल किया आज यही नौजवान जज्बात की क़ुरबान गाह पे बैंक चढ़ गए हैं और अपने वालदान और ख़ानदान की ज़िंदगी में आहें और सस्कियाँ छोड़ गए हैं इसम्बली का सेशन ख़त्म होती ही मैंने अपनी अवलिन फ़ुर्सत में यहाँ की पुलिस को डायरेक्शन दी कि जिन बच्चों के ख़िलाफ़ दो हज़ार आठ दो हज़ार नौ से एफ आई आर दर्ज हैं थानों में जो अब बड़े हो कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हैं उनको जल्द अज जल्द बारी बारी विड्रा किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में इस बदनुमा दा का कोई नामो निशान नहीं रहे इन्हीं बच्चों के, के लिए मेरी हुकूमत की ये कोशिश रही कि हमारा तैली निज़ाम वापस डगर पर आ जाए ताकि इनके लिए बाज़्ज़त रोजगार के मौाक़े पैदा हो हमने स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया कंप्यूटर लैब्स इंट्रोड्यूस की सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे सरकारी स्कूल में जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूलों से कमतर न समझे मगर आज इन छोटे बच्चों और नौजवानों की मौत और जख्मी हालत को देखे मुझे रियासत में कायम होने वाली आई आई टी आई आई एम मेडिकल कॉलेज़ नर्सिंग कॉलेजेस और दूसरी चीज़ें किसी हद तक बेमानी लगती हैं हमने देखा है कि जब जब एहतजाज तशद खौफ व हिरास में बदल जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी ही कौम का होता है ऐसे में हमारी रियासत जिसको अल्लाह तला ने लाजवा हसन और वसाइल से नवाजा है यहाँ के रहने वाले लोग इस रियासत का सबसे बड़ा सरमाया है ये रियासत एक खुशनुमा गुलदस्ते की मानंद है जिसमें हर किस्म के फूल सजे हुए हैं यहाँ हर मज़हब के रहने वाले सदियों से इकट्ठे रहते चलते आए हैं यहाँ दर्जनों ज़बानें बोली जाती हैं हर शख्स अपनी तहजीब व रिवायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का मजाज है हमारी रियासत साथ साथ रहने की एक रोशन मिसाल पेश करती है इन्हीं खूबियों को मदनज़र रखते हुए हमारी रियासत को पूरे मुल्क में एक मुनफरद मकाम हासिल है और इस खसूस पोजिशन का हर सूरत में तहफ़ किया जाएगा आज जब कुछ शरपसंदनासर इस रियासत का माहौल इश्तियाल अंगेज़ बना देना चाहते हैं जिसका असर हमारी ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़ा है जबकि किसी भी जमहूरी मुल्क में हर मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने की वसी गुंजाइश है आज जबकि यहाँ के हालात से मुतलक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस हुई तो एक उम्मीद बंदी है कि पूरे मुल्क में मस्बत अंदाज से जम्मू व कश्मीर के मसाइल के मुतलक एक मुशतरका राय बन जाए सारा मुल्क और आला सियासी क़्यादत पार्टी मफाद से ऊपर उठ कर कश्मीर की जानब तो मरकूज करे कि इस राय को एक मुश्तर मुशतर अमल में तब्दील करके यहाँ सियासी और इक्तसादी सतह पर नई शुरुआत की जाए जिसके लिए माजी में कई कोशिशें हुई मगर बदकस्मती से वो आगे ना बढ़ सकी मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरी हुकूमत की अवल कोशिश ये होगी कि एक बाकसद पहल हो मेरी हुकूमत का एजेंडा ये है कि रियासत को दरपेश सियासी इकतसादी और समाजी मसाइल का देर पा हल हो ताकि हम हर पाँच साल के बाद ऐसे बहरान में फिर मुबतला ना हो जो हमारी नस्लें पिछली दहाइयों से भुगत रही हैं मौजूदा रियासी सरकार की तशकील भी इसी मकसद को रख कर की गई है हमें यकीन है कि कौमी लीडरशिप इस अजीम काम में हमारे साथ है और जैसा कि वज़ी अजम ने अभी कहा कि अटल बिहारी वाजपाई की पॉलिसी जमहूरीत और इंसानियत के ज़रिए मसाइल का हल ढूँढने की ज़रूरत है और इसी तरह जैसे कि हमारे सबक़ वज़ी अजम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसे नहीं हमारे वज़ी अजम नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा से सबक लेकर पिछले साल दिसंबर में लाहौर की यात्रा की जो अपने आप में एक तारीखी पहल है और हमारी रियासत में इसका एक अच्छा असर महसूस किया गया क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के दरमियान तनाजों की सबसे बड़ी शिकार रही है हमारी तरक्की और समाजी पेश रफ्त खिते में अमन की मोहताज है आज की सूरत हाल भी इसी की तरफ इशारा कर रही है कि बातचीत का सिलसिला रुक न जाए ये बात अहम है कि डायलाग और बातचीत महज लोगों का ध्यान वक्ती तौर पर हटाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए बल्कि इसके ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर को दरपेश सियासी इकतसदी मसाइल वाकई हल हो जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफ़रत की दीवार हैं वो तोड़ दी जाए और साथ ही जो भरोसे की कमी है हमारे मुल्क की लीडरशिप के दरमियान और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान उसको कम किया जाए ऐसा हो तो तभी जमूरीत सही माने में कायम हो सकती है मौजूदा शोरिश के दौरान मेरी हुकूमत की कोशिश रही कि हड़ताल तशद और बंदिशों के बावजूद इंतज़ामिया काम करती रहे मैं ख़ास कर हस्पताों के अमले डॉक्टरों नर्सों और एम्बुलेंस ड्राइवरों का जिक्र करूंगी, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी हौसले और इंसानियत के जज्बे से काम करके बहुत सी जानों को बचाया इसी तरह सख्ती के बावजूद हर इलाके में राशन पहुंचाई दी गई वाटर सप्लाई का निज़ाम बरकरार रहा बिजली की फरहमी यकीनी बनाई गई मैं इंतज़ामिया और इनके अहम शोबों से मुंसलिक सभी अफराद की मशहूर हूँ एन ई -E ई -E टी का इम्तहान हुआ या सिविल सर्विस का या प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का हर मौके पर इंतज़ामिया ने मुश्किल के बावजूद भरपूर इंतज़ाम करके इनको मुमकिन बनाया इस सिलसिले में तलबा और उनके वालदान की लगन की दाँत दिए बगैर नहीं रह सकती ये दिन इनशा जल्द गुजर जाएंगे और हम फिर एक नई सुबह का आगाज़ कर सकेंगे लेकिन क्या हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने इन दिनों में खोया कीमती इंसान इंसानी जानों का ज़ियाँ वो लोग जो जख्मी हुए और बच्चों का एक भी स्कूली दिन ज़ाया होना नाकबिल तलाफी नुकसान है ये न सिर्फ़ समाजी अकदार बल्कि इस्लाम के मनाफी है बदकस्मती से कुछ लोग आज ये मानते हैं कि तालीम रुक सकती है लेकिन एहताज नहीं और सड़कों पर अफरा तफरी बच्चों को स्कूल भेजने से बेहतर है हम अपने बच्चों के मुस्कबल से खिलवाड़ करने के लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराएं? ऐसे हालात से माशरे की बुनियादें हिल रही हैं इसी बहरानी सूरत हाल को मेरी हुकूमत या कोई फर्द तब्दील नहीं कर सकता बल्कि मेरे भाई और बहनों इससे मुश्तरक कोशिश से निपटना होगा इस सिलसिले में तखिर का अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा जैसा कि पहले ही लाखों की तादाद में हमारे रियासत के नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ तलीमी इदारों में ताली, ताली, तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर अब भी हम अपने माहौल को बेहतर ना बनाएंगे तो इन नौजवानों को अपनी रियासत में तारीख मुस्तबल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और शायद ये अपने घर लौट के वापस भी ना आना चाहेंगे मैं आप अपने अजीज नौजवानों से खास ख़ास तौर पर गुजारिश करती हूँ कि वह अपना मुस्तबल बनाने के लिए रियासत में अमन बहाल करने में अपना ताउन दे और वक्त की कदरक़ीमत समझ कर अपने और अपने खानदानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाएँ वो दिन दूर नहीं जब हमारी रियासत न सिर्फ मुल्क बल्कि इस खत्े की बेहतरीन रियासतों में शुमार होगी मुझे इतमान है कि वसी पैमाने पर नागुश को नाखुशगवार वाकियात के बावजूद रियासत ने भाईचारे का दामन नहीं छोड़ा मैं इस सब के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ और ख़ासकर जम्मू ख़ते के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इन हालात में भी आपस में भाईचारे को कायम रखा और अपनी हुकूमत के, के अज़म का इदा करती हूँ कि जहाँ कहीं भी ज़्याँ या ना हुई हों उनकी तलाफ़ी की जाएगी मैं फिर एक बार आप सबको योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के तीनों ख़ों के लिए पूरी शदोमद से काम करेगी आपकी तरक्की कोशां है जहाँ हम हॉर्टिकल्चर के हवाले से हाई डेंसिटी आम और सेब जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस करके यहाँ के लोगों की इकतसादी हालात को बदलना चाहते हैं वहाँ हम टूरिज्म के हवाले से रंजीत सागर डैम से लेकर वुलर लेक तक जम्मू की मुबारक मंडी के से लेकर श्रीनगर के, के हरी पर्वत तक करगिल से लेकर गुरेज तक जम्मू में सुचितगढ़ से ले टीटवाल तक और इसी तरह से भद्रवाह से लेके बंगस तक राजौरी से लेके तोस मैदान तक लद्दाख के नोबरा से लेके गुरेज तक हम टूरिज्म को फैला कर यहाँ के नौजवानों के लिए बाज़्त रोज़गार पैदा करना चाहते हैं मगर इसमें मैं चाहती हूँ अपने लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आज जब हमने अपने रियासत बिलखसूस वादी का माहौल इतना ख़राब कर दिया है तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पे सोचना चाहिए क्या जो बच्चे हमारे यहाँ पीछे रहें हमारे रियासत में रहें क्या उनको हमने अनपढ़ रखना है क्या हमको उनको पढ़ाना नहीं है क्या हमने इस तरह से दिन ब दिन अपने रियासत के हालात ख़राब करके अपने ही लोगों के लिए अपनी ही बच्चियों के लिए अपने ही नौजवानों के लिए अपनी जमीन को तंग करना है ये मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए और जब सोच के हम इस बात पे इस किसी फैसले को नतीजे पे पहुंचे तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज भी हमारे मुहाफ़ हमारी आजादी को कायम रखने के लिए बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं और अंदर इस मुश्किल को काबू पाने के लिए हमारी पुलिस के एहलकारों ने मैं नहीं कहती कि कहीं उनसे गलती नहीं हुई होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने कोशिश की कि यहाँ अमन हो यहाँ चैन हो यहाँ खम खा का खून खराबा ना हो मगर हमारी ये कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप लोग इस बात को ना समझे कि हालात ख़राब होने से कोई मकसद हासिल नहीं होता मुझे मालूम नहीं ये जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्नीस सौ नब्बे जैसे हालात होने चाहिए वो क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्नीस सौ नब्बे की तरह यहाँ हज़ारों लोग मरने चाहिए हमारे सड़कें ख़त्म होनी चाहिए हमारी तरक्की बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए क्या यही हासिल है या हम जम्मू कश्मीर में एक बाइज़्ज़त अमन कायम करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग एक बातचीत के ज़रिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पुल की शक्ल अख्तियार करना चाहिए मैं इसका जवाब आप तक छोड़ती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये दिन इस रियासत के हर शहरी के लिए अमन उम्मीद और खुशहाली की नई सुबह का आगाज़ साबित हों और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद और हमारा मुल्क ज़िंदाबाद